हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में मल्टी वाइटामिन तो यूज़ करते ही होंगे। ये तो आपको कॉमन बात पता है कि मल्टी वाइटामिन बहुत ज़रूरी होते हैं। जो अपनी डाइट से वाइटामिन को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो एडिशनली मल्टी वाइटामिन लेते हैं। बट क्या आपको पता है कि आपकी हेयर हेल्थ और आपके नेल हेल्थ के लिए, जो आपके नेल्स होते हैं, इसकी हेल्थ के लिए भी एक वाइटामिन होता है जिसको हम बोलते हैं वाइटामिन B7। जी हाँ, वाइटामिन B7, जिसको हम बायोटिन भी बोलते हैं, वो हमारी हेयर हेल्थ के लिए और हमारे नेल्स की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, और वो हम अपनी डाइट से इतना प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। जो मेनली बायोटिन होता है, उसके सोर्सेज होते हैं मेनली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं, बट वेजिटेरियन भी होते हैं, जैसे ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया। मतलब उसमें इतना प्रॉपर अमाउंट में बायोटिन नहीं होता है, होता है बट इतना नहीं होता, आप उसको निग्लेक्ट करते हो ज़्यादातर। इसीलिए आजकल आपको इश्यूज आ जाते हैं, आपको हेयर फॉल प्रॉब्लम होती है, आपके नेल्स इतने बेटर ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। सो, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ बायोटिन गमीज बाय मार्स। सो, मैंने अपने चैनल में बहुत सारे बायोटिन रिव्यू किए हैं। पाउडर्ड फॉर्म में बायोटिन रिव्यू किया है मैंने, कैप्सूल फॉर्म में बायोटिन को रिव्यू किया है। सो, मैंने सोचा कि यार, ये आजकल जो ट्रेंड चल रहा है गमीज का, जो बायोटिन गमीज हैं, उसका क्या बेनिफिट है, वो मैं कंज्यूम करके देखता हूँ। सो, मैंने ये ऑर्डर किया है मार्स की, बिकॉज मार्स के मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पहले भी यूज़ किए हैं, और मैंने सोचा कि अगर इनकी गमीज़ मिल ही रही हैं, तो चलो इनको ट्राई करते हैं। सो, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मेरे को क्या रिजल्ट्स मिले आफ्टर कंज्यूमिंग फॉर 1 month, इसकी प्राइसिंग क्या है, और क्या आपका जो हेयर फॉल है, आपकी हेयर हेल्थ है, वो क्या इससे इम्प्रूव होगी या नहीं होगी। उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम मार्स बायोटिन गमीज़ की बात करें, सो इसमें सिर्फ बायोटिन ही नहीं है, इसमें आपको जिंक, आयोडीन और मल्टी वाइटामिन्स भी मिलेंगे। जिंक, जैसे आपको पता है, आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो आयोडीन होता है, वो आपकी स्किन में एक ग्लो लाता है, जो आपके स्किन लाइटनिंग होती है। जैसे आपको कोई भी ब्लेमिशिंग हो गई है, कोई डार्क स्पॉट्स हैं फेस पे, उसको क्योर करने में बहुत ही हेल्प करता है जो बायोटिन है, और जो आयोडीन है और बायोटिन है, और इसमें साथ साथ मल्टी वाइटामिन्स भी इंक्लूडेड हैं। सो, ऐसी पैकेजिंग आपको मिलेगी, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात मेरे को मार्स की क्या लगती है कि इन पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और इनकी ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो, ऐसे कुछ इनकी पैकेजिंग है मार्स बायोटिन गमीज़ की। ये 1 pack आपको 339 rupees का मिलेगा, जिसमें आपको 13 बायोटिन गमीज़ मिलेंगी। सो, कुछ बायोटिन गमीज़ कुछ ऐसे लगती हैं, पैकेट में रैप होती हैं। सो, आपको सिर्फ क्या करना है, यू जस्ट हैव टू कंज्यूम 1 biotin gummy। नॉर्मली कंज्यूम करनी है आपको, एंड इसका जो टेस्ट है, ये बिल्कुल पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है। इसमें जो टेस्ट है, वो इतना ज़्यादा स्वीट भी नहीं है, इसमें शुगर को ऐड नहीं किया गया है, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट है इसका। और साथ ही में अगर इसकी हम बात करें इसकी वेट की, जो 1 biotin gummy है वो 3 gram की है, जिसमें कि आपको बायोटिन जो है वो आपको कितना मिलेगा, 40 microgram आपको बायोटिन मिलेगा। सो, इसको आप लंच के बाद, डिनर के बाद ले सकते हैं सिर्फ 1 tab पर डे। एंड सबसे मेन बात, आप क्या सोचते हो कि अगर हम बायोटिन लेंगे, सो, हमको अगर सीवियर प्रॉब्लम है, अगर हमको बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, बहुत सीवियर कोई मेल पैटर्न बैल्डनेस है, तो वो क्योर नहीं हो सकता है। जो सप्लीमेंट्स होते हैं, उसका ये मतलब होता है कि अगर आप इनको अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करते हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे उस स्टेज तक पहुंचने से रोकने के लिए। सपोज़ आपको माइनर सा हेयर फॉल हो रहा है, और आप अपनी डाइट में बायोटिन को ऐड करते हैं, बायोटिन गमीज़ को, सो, एक आपको वो जो प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाता है, और मे बी वो जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल रुक जाए। बट बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम अगर आपको हेयर फॉल की है, तो वो क्योर नहीं हो सकती है। जो सप्लीमेंट्स होते हैं, वो जो आपकी प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट करते हैं, बट पूरी तरह क्योर नहीं करते। सो, अगर आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आप बायोटिन भी ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, बट टोटली आपको बायोटिन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको डॉक्टर के पास भी जाना है। सो, आई विल रेकमेंड कि आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कोई भी ले सकता है, कोई भी एज का पर्सन बायोटिन को ले सकता है। सो, बायोटिन गमीज एक तो टेस्टी होती हैं, कन्वीनियंट होती हैं, आप कभी भी कहीं पे जाएं, इसको रैपर खोल के आपने खा लेनी है, कोई पानी नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, जस्ट लाइक अ टॉफी। सो, ज़रूर इसको इंक्लूड कीजिए। मेरे को माइनर हेयर फॉल होता था, वो बिल्कुल रुका है, झूठ क्यों बोलना, बिल्कुल हेयर फॉल जो है थोड़ा सा स्टॉप हुआ है।
सो आई विल रिकमेंड यू टू ट्राई मार्स बायोटिन गमीज, बहुत ही बेटर हैं आपके हेयर हेल्थ के लिए और आपकी नेल्स हेल्थ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।